Hey guys, welcome to my class. My name is Kanchan and you are watching Kanchan ki classes. Basic English grammar series का ये part है. आज है day 21 और आज आप सीखने वाले हैं past continuous tense. इसे past progressive tense भी बोलते हैं. सभी continuous tenses को progressive tense भी बोला जाता है. Guys, आज आप इसमें ये तो सीखेंगे ही कि ये tense है क्या, कैसे sentences इसमें आते हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है. साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि पिछली वीडियो में आपने present continuous tense के बारे में सीखा था और उसमें मैंने आपको वर्ब में आईएनजी ऐड करने के रूल्स भी बताए थे. तो अगर आपने पिछली वीडियोस मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप उन्हें देख सकते हैं. तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी. वीडियो के एंड में एक क्विज होगा जिसे आप खुद से सॉल्व करेंगे और अपने स्कोर आप खुद से चेक करेंगे. आंसर भी वीडियो के एंड में दिया होगा, तो वीडियो को वहां पे पॉज कीजिएगा, खुद से उसे सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद आंसर देख के मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर बनाए. अब फटाफट लेसन की शुरुआत करते हैं. लेट्स बिगिन. तो गाइस, सबसे पहले क्या बात करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचाने कैसे. तो उसकी पहचान जो है वो ये है कि सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे वर्ड्स आएंगे. और साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि करता रहता था, करती रहती थी, करते रहते थे, ऐसे भी वर्ड्स आते हैं. कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जिसमें कि ऐसा भी आता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी. और ये सेम केस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी था. अब देखिए गाइस कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. इसका स्ट्रक्चर है कि आपको उसमें सब्जेक्ट के बाद वॉज या फिर वर्ड यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. फिर उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है. वर्ड की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला जाता है. उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, वरना नहीं. नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है कि वॉज वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे. और इंटरोगेटिव में क्या होगा कि इनके हम प्लेस को एक्सचेंज कर देंगे. सबसे पहले वॉज वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो नहीं लगेगा. उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और फिर आगे की चीजें. तो ये एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है. यहाँ नॉट मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आप दोनों को समझ सके. ठीक है, तो अब सबसे बड़ी और जरूरी बात कर लेते हैं कि हम वॉज और वर्ब किनके साथ यूज करेंगे. तो आई, ही, शी, इट या फिर किसी एक नाम के साथ वॉज का यूज करेंगे. वी, यू, दे के साथ वर्ब का यूज करेंगे. तो मोस्टली जो चीज हमेशा होती है वर्ब प्लूरल के साथ यूज होता है, वॉज सिंगुलर के साथ यूज होता है. इसमें यू एक्सेप्शन है. यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में वर्ब ही आएगा और इसे प्रोनाउंस करते हैं वर्ब. अब देखिए मैं कॉन्ट्रैक्शंस की बात करती हूं. तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया कि ही इज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हीज बन जाता है, लेकिन वॉज और वर्ब का ऐसा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता. इनका प्रोनाउंस के साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव में है. वॉज नॉट और वर्ब नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो वॉज नॉट बन जाता है वॉजंट एंड वर्ब नॉट बन जाता है वरंट. ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे सेंटेंसेस में देखेंगे. अब देखिए कि सबसे पहला जहां सबसे ज्यादा यूज होता है वो ये है कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कुछ हो रहा था उसको बताने के लिए. तो पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं. तो वैसे जब भी आपसे कोई कुछ पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे, तो बेसिकली वो ये वर्ड भी बोलता है कि तुम कल क्या कर रहे थे या परसों क्या कर रहे थे. ठीक है, या फिर अभी थोड़ी देर पहले तुम क्या कर रहे थे. तो किसी समय को उसमें ऐड किया जाता है. सो जस्ट सपोज कि कोई पूछता है व्हाट वर यू डूइंग एट 6 PM यस्टरडे, कल 6 बजे तुम क्या कर रहे थे. तो जवाब कुछ भी हो सकता है. आई वॉज Studying at 6 PM yesterday. अब जरूरी नहीं है कि आप ये भी बोले ही, आप सिर्फ इतना भी बोल के सेंटेंस एंड कर सकते हैं. I was studying, इसका मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था. अब देखिए स्ट्रक्चर क्या हुआ. सब्जेक्ट, फिर I के साथ क्या आता है was, I was, फिर वर्ब में ing studying. या फिर आप बोल सकते हैं I was watching TV, मैं टीवी देख रहा था. I was cooking dinner, मैं डिनर बना रहा था. तो यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि ये सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और आई यूज हुआ है. अब अगर यहाँ पे यू यूज करते हैं तो ये हो जाएगा यू वर कुकिंग डिनर. अब अगर नेगेटिव बनाना हो तो बस इनके इनके बीच में नॉट लगेगा. तो आई वॉज नॉट स्टडिंग, आई वॉज नॉट वॉचिंग, आई वॉज नॉट कुकिंग.
यू वर नॉट कुकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाती है। और इन्हीं सेंटेंसेस को अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ये वॉज वर्ब, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया है। तो वॉज वर्ब अगर सबसे पहले करते हैं तो आई के साथ वॉज है, सबसे पहले वॉज आगे आ जाएगा। मैं बोलूंगी वॉज आई वॉचिंग टीवी, और अगर नेगेटिव भी है तो बोलूंगी वॉज आई नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक है। इसी तरीके से यू वाला बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, वर यू कुकिंग डिनर, क्या तुम खाना बना रहे थे, या फिर वर यू नॉट कुकिंग डिनर। तो अगर नेगेटिव है, नॉट भी है, तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब इन्हीं को अगर कॉन्ट्रैक्शन में बनाएंगे तो वर यू नॉट को हम लिख देंगे वरंट यू, वरंट यू, वरंट यू कुकिंग डिनर, इस तरीके से। और अगर वॉज आई नॉट को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वॉजंट आई। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये नॉट पहले आ जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट अकेला बसता है, उसके बाद नॉट नहीं आता, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाती है। तो इस तरीके से आप इन सभी सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक बार यहां भी समझ लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया शी, तो शी क्या है, शी के साथ आएगा वॉज, शी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी जोड़ना हो तो लिख देते हैं बुक, शी वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे शी वॉज नॉट रीडिंग, ओके, अ बुक लिखिए या ना लिखिए। फिर वॉज वर्ड से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन, वॉज शी रीडिंग, और अगर नॉट भी ऐड करना है तो हम बोलेंगे वॉज शी नॉट रीडिंग, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये हो गया पहली कैटेगरी कि पिछले समय में यानी पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब कोई चीज हो रही थी उसका जिक्र करते हैं, तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं और मोस्टली यही यूज होता है। उसके अलावा आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं जिसमें है एक काम के दौरान दूसरा काम हो, तो ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है कि कोई एक काम हो रहा है उसी बीच कोई दूसरा काम हो जाता है। तो मान लीजिए कोई ये पूछता है व्हाट वाज शी डूइंग, वो क्या कर रही थी, व्हेन आई टेलीफोन, जब मैंने फोन किया। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि एक सेंटेंस यानी कि एक क्लॉज जो है वो है पास्ट कंटिन्यूअस में ही वॉज यूज हुआ है, वर्ब में आई एन जी यूज हुआ है, और एक के साथ ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल वाले वीडियो में मैं ये बता चुकी हूँ। तो एक साथ दो टेंसेस यूज हुए हैं, तो इसका भी एक नियम है पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट सिंपल। सो पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं टू एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शन, जो एक्शन लॉन्ग है, जो लंबे समय तक हो रहा है, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। और जो पास्ट सिंपल है टू एक्सप्रेस शॉर्ट एक्शन, जो शॉर्ट एक्शन होता है ना बीच में जो इंटरप्ट करता है दूसरे एक्शन को, उसके लिए हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं। और इसमें भी व्हाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, तो व्हाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस आएगा और व्हेन के बाद पास्ट सिंपल आएगा। तो यहां देखिए आंसर मिलता है शी वॉज हैविंग डिनर व्हेन यू टेलीफोन, शी वॉज हैविंग डिनर, वो डिनर कर रही थी व्हेन यू टेलीफोन, जब तुमने फोन किया। तो ये लॉन्ग एक्शन है, वो डिनर कर रही थी और बीच में ये एक्शन थोड़ी देर के लिए हुआ व्हेन यू टेलीफोन, जब तुमने कॉल किया। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बना, ये पास्ट सिंपल में बना, और पास्ट सिंपल के पहले व्हेन यूज किया। तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। इसमें और भी सेंटेंसेस बन सकते हैं और इसी सेंटेंस को चार तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तो ये हो गया, अब एक और तरीके से बनाते हैं जिसमें कि हम इसको पहले कर देंगे। तो इसी सेंटेंस को बोल सकते हैं व्हेन यू टेलीफोन शी वॉज हैविंग डिनर, कॉमा लगा के, व्हेन यू टेलीफोन्ड कॉमा शी वॉज हैविंग डिनर, इस तरीके से। उसके अलावा व्हाइल के यूज से जब इसे बनाएंगे तो बोलेंगे व्हाइल शी वॉज हैविंग डिनर यू टेलीफोन्ड, या फिर यू टेलीफोन्ड व्हाइल शी वॉज हैविंग डिनर। तो यही रूल लागू हुआ कि जो कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस यूज किया उसके पहले हमने व्हाइल यूज किया। अब चाहे तो आप इन सेंटेंसेस को आगे पीछे कर दें, लेकिन व्हेन और व्हाइल अपने सेंटेंस के साथ ही लगे रहेंगे। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि और किन सिचुएशंस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं।
तो गाइज अब चलिए देखते हैं कि नंबर थ्री क्या है जिसमें हम इस टेंस को यूज करते हैं। पास्ट में जब दो काम एक ही समय पर हो रहे हों, तो पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय पर जब दो काम एक साथ हो रहे हों तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। और इसमें आप ध्यान दीजिए, शी वॉज डांसिंग व्हाइल ही वॉज सिंगिंग, तो दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस में यूज हुए हैं, वॉज के साथ आई एन जी, यहाँ भी वॉज के साथ आई एन जी। तो क्योंकि दोनों ही काम लॉन्ग एक्शन से और एक साथ हो रहे हैं एक समय पे, इसलिए दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस में बनेंगे। दे वर स्लीपिंग, वे सो रहे थे, व्हाइल वी वर वर्किंग, जब हम काम कर रहे थे, तो इन्हें हमने व्हाइल से जोड़ा। नाउ द नंबर फोर इज पास्ट में बार बार होता था, सो समथिंग व्हिच हैपेंड अगेन एंड अगेन इन द पास्ट, तो वहां पे भी हम ये यूज करते हैं। और यही वो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई थी, करता रहता था, करती रहती थी या करते रहते थे, तो ये करना की जगह वो क्रिया आ जाएगी। और ऐसे सेंटेंसेस में ऑलवेज या फिर फॉरएवर का यूज होता ही होता है। ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यू, वो हमेशा आपके बारे में बात करता रहता था या करते रहते थे। तो यहाँ पे ही के साथ हमने सब कुछ वैसे ही बनाया जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में बनता है, एक ऑलवेज भी बीच में लगा हुआ है, इसलिए समझ में आता है कि करता रहता था कोई काम, ठीक है, बार बार हुआ। माई ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज टेलिंग मी स्टोरीज, मेरी दादी मुझे हमेशा कहानियां सुनाती रहती थी, तो यहाँ पर भी हमने ऑलवेज का यूज किया। यू वर ऑलवेज क्राइंग, तुम हमेशा रोते रहते थे। आप अपने भाई या बहन को चढ़ाने के लिए बोलते हैं ना कि जब तुम छोटे थे तो हमेशा रोते रहते थे, यू वर ऑलवेज क्राइंग, तो ऐसे सेंटेंसेस इस तरीके से बनते हैं। होप कि आज का ये लेसन आपने खूब इंजॉय किया और अब आपको इस टेंस को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड गाइस, जो अभी क्विज आने वाला है उसे आप जरूर से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर बनाए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस करें और उसके बाद ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। अगर वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अगर ऐसे टेंसेस को लेके, ग्रामर को लेके कोई भी कंफ्यूजन हो तो उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। और मेरे चैनल पर डेली यूज सेंटेंसेस की भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनके जरिए आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर मिलूंगी आपसे डे 22 में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।